हेलो एवरीवन, फ्रॉम लास्ट टू डेज वी आर रिवाइजिंग द नेमिंग वर्ड्स. ओके, और नेमिंग वर्ड्स या नाउन जिसे हम बोलते हैं, तो आपने रिवाइज किया है. दो दिन से हम नाउन ही पढ़ रहे हैं. इसमें बेटा आपको बताया था कि नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होते हैं, नेम किस किस के, पर्सन, प्लेस और एनी थिंग. और आपको इसमें बताया कि जो काइंड्स ऑफ नाउन की अलग अलग तरह के नाउन होते हैं, कॉमन नाउन. कॉमन मतलब जो आप सबके लिए यूज़ होता है कोई वर्ड, जैसे बॉय आप बोल देते हैं, चाइल्ड बोल देते हैं, फादर बोल देते हैं, मदर बोल देते हैं, तो वो कॉमन नाउन हो जाता है. प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन में आप किसी का नाम, पर्टिकुलर नाम होता है. जैसे अगर मैन बोला है तो वो कॉमन हो गया, और अगर हम बोलते हैं महात्मा गांधी या सचिन तेंदुलकर तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है. कलेक्टिव नाउन में बच्चे हम बात करते हैं ग्रुप की, जैसे आपने वर्ड पढ़े हैं, जैसे आर्मी, हाँ, क्लास, स्टाफ मेंबर अब बोलते हैं, ठीक है, बंच. तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं, ठीक है, उसको हम कलेक्टिव नाउन में, कि आपने उस ग्रुप को क्या नाम दिया है वो हम देखते हैं. एब्स्ट्रैक्ट में आपको हिंदी में मीनिंग बताया था. एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, कि जो किसी भाव को व्यक्त करता है. जैसे हम कहते हैं ही इज़ अ ब्रेव बॉय, हाँ. तो अब ब्रेव जो है ये एक्शन वर्ड नहीं है, ये क्या हो गया, नेमिंग वर्ड है, नाउन है. तो ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट. ही इज़ वेरी क्यूट या शी इज़ वेरी क्यूट. तो क्यूट जो है, एक तो एडजेक्टिव भी आता है और हम इसमें क्या है कि ये नेमिंग वर्ड में भी आता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. जैसे हम बोलते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी. तो यहाँ पर ऑनेस्टी क्या है, वो नाउन में आता है, ठीक है. फिर लास्ट वाला तो बहुत इजी है, मटेरियल नाउन. कि जब भी आप किसी चीज़ की बात करते हैं, जैसे आप वुड, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मटेरियल में आता है, ठीक है बेटा. तो आज हम इससे रिलेटेड बच्चे एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, कि आपको क्या करना है. देखिए, रीड द क्वेश्चन, पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. कि आपको ये कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आपको नाउन, अब आपको ये तो आप छोटी क्लास में भी करते आ रहे हो कि कौन कौन से नाउन है, आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं. अब आपको नाउन फाइंड आउट करने के बाद उसको क्लासीफाई करना है. क्लासीफाई मतलब उसको अलग अलग उसमें बांटना है, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट. आप क्या करेंगे, ये मैंने नीचे आंसर अभी छुपा दिया है, आपको मैं बाद में दिखाऊंगी. आप यहाँ पर चार बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4 और एक एब्स्ट्रैक्ट का रह गया है. तो आपने 5 कॉलम बनाने हैं. क्या करेंगे आप, आंसर ऐसे ही आंसर लिख के, पहले आपने जैसे ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर आप उसके नीचे क्या करेंगे, एक बॉक्स बना दीजिए, एक बॉक्स बना दीजिए, उसके 5 पार्ट कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट कर दीजिए उसके, ठीक है. फिर से बताती हूँ मैं आपको, आपको क्या करना है, एक बहुत ही अच्छा सा बॉक्स बनाना है, उसके आपने 5 पार्ट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5. फिर आप ऐसे लाइन खींच दीजिए और यहाँ पर आप नाम लिखिए. सबसे पहले जैसे लिखा आपने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, जैसे आप देख रहे हैं ये बना हुआ है, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव, मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. 5 कॉलम बनाएंगे और अब आपको यहाँ से वर्ड आपको जो है छांटने हैं, ठीक है. जैसे पहला सेंटेंस है, रमन इज़ अ गुड बॉय. अब इसमें आप देख रहे हैं नेमिंग वर्ड है रमन और बॉय. अब रमन क्या है, रमन कौन सा नाउन आएगा, प्रॉपर, कॉमन, कौन सा आएगा. तो रमन आपका किस में आता है, प्रॉपर में. तो आप प्रॉपर नाउन वाले कॉलम में लिख देंगे रमन, और कॉमन नाउन में क्या आ जाएगा, बॉय. बॉय कॉमन में हो जाएगा, ठीक है. तो समझ में आया. नेक्स्ट देखिए, वन शुड बिलीव इन ट्रुथ. तो इसमें जो ट्रुथ है बच्चे, वो है नेमिंग वर्ड, नाउन. तो लेकिन ये ट्रुथ कौन से इसमें आएगा, एब्स्ट्रैक्ट में, ठीक है. नेक्स्ट, अ सोल्जर इज रिस्पेक्टेड फॉर हिज ब्रेवरी. कि एक सोल्जर को उसकी बहादुरी के लिए रिस्पेक्ट किया जाता है. तो इसमें सोल्जर और ब्रेवरी दो आ गए. तो सोल्जर किस में जाएगा, सोल्जर किस में जाएगा, कॉमन में, क्योंकि सोल्जर कोई भी हो सकता है. और ब्रेवरी किस में जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो इस कॉलम में.
समझ में आ रहा है बेटा? आपको क्या करना है, पांच कॉलम बनाने और इसको अलग अलग डिवाइड करने हैं, ठीक है। पांच में सेंटेंस आपको बता दूंगी, पांच बाकी के सेंटेंस आप अपने आप करेंगे। ऑर्नामेंट आर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ऑर्नामेंट क्या होता है बेटा? ऑर्नामेंट होता है गहने, कि गहने सोने चांदी से बनते हैं। तो इसमें ऑर्नामेंट, गोल्ड, सिल्वर, ये सब आ गया। अब ये सब आप देख रहे हो कि सभी मटेरियल हैं, तो सब के सब मटेरियल में जाएंगे, ओके। सब के सब मटेरियल वाले कॉलम में जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द केस वॉज डिसाइडेड बाय अ बेंच ऑफ जज, ओके। द केस वॉज डिसाइडेड बाय अ बेंच ऑफ जज। तो इसमें जो है नेमिंग वर्ड इसमें कौन सा है? बेंच, और ये आप जज देख रहे हैं, तो जज किस में आ जाएगा? जज तो आपका आ जाएगा, सॉरी, कॉमन नाउन में, ठीक है। जज कॉमन नाउन में आ जाएगा, और बेंच, बेंच क्या हो गया? ग्रुप, यानी एक ग्रुप हो गया, तो वो किस में आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। तो आपका जो बेंच है, बेंच वर्ड जो है वो किस में आ जाएगा? कलेक्टिव में। ये बेंच का मतलब वो नहीं है जिस पे आप बैठते हैं, जैसे अभी आपको बताया था कि बंच होता है कीज़ का, इसी तरह से जो जज होते हैं उसका बेंच होगा, ठीक है। उनका जो ग्रुप होता है उसको बेंच बोलते हैं, ज्यूरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, मैंने अभी आपको फाइव सेंटेंसेस बताए हैं, और अगर आप लोग बच्चे कुछ सीखना चाहते हैं तो बाकी के फाइव सेंटेंसेस आप अपने आप ट्राई करेंगे, ओके। और फिर शाम को मैं आपको आंसर सेंड करूँगी, तब आप एक बार मैच कर लेना कि आपने सही आंसर लिखे हैं या नहीं। बेटा सीखने की कोशिश करिए सभी बच्चे, आपके पास बहुत अच्छा मौका है। क्लास में क्या होता है, हम एक टॉपिक पढ़ाते हैं और आप फिर उसको याद रखते हैं, भूल जाते हैं, कुछ नहीं पता होता। लेकिन यहाँ आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आपको एक टॉपिक पढ़ाई जा रही है, कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, आपको वीडियो भेजी जाती है, आपको अगर एक बार में नहीं समझ आया है तो आप उसको दोबारा देख सकते हो, ठीक है। तो आप उसको दोबारा वीडियो देख सकते हो, तो आप दोबारा समझ सकते हो। तो इसलिए आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। देखो हर चीज़ की कुछ बुराई भी होती है, कुछ अच्छाई भी होती है। अब लॉकडाउन हुआ है तो आपको बुरा ये लग रहा है कि आप घर में बैठे हैं, आप स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास एक वीडियो है और आप हमें अच्छे से जानते हो, आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। तो सभी बच्चे जो है इस, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई है तो कल और परसों मैंने जो वीडियो भेजी थी आप उसको समझो, और फिर उसके बाद आपको मैंने फाइव सेंटेंसेस एक्सप्लेन कर दिए हैं, आगे के फाइव आप अपने आप ट्राई करेंगे। और जिसको समझ में नहीं आता है तो जब आपकी क्लास होती है तब आप पूछ सकते हैं, ओके बच्चे। तो सभी बच्चे वर्क करेंगे, थैंक यू।